हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वाली वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। देखो, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वेबसाइट बनाने वाले हैं। देखो, आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है, अगर आप ऐसी वेबसाइट बना लेते हो जो मैं आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आपको ना लाइफ टाइम अर्निंग होगी। और आपको ना सिर्फ 2 घंटे काम करना है, सिर्फ 2 घंटे वेबसाइट को बनाने के लिए देना है और फिर आपको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं। आप तो जाकर भी मत देखना, बस एडसेंस की अर्निंग उस वेबसाइट पर जाके देख लेना कितनी ज़्यादा आपको एडसेंस की अर्निंग होगी। तो बस आपको सिर्फ 2 घंटे काम करना है, एक बार आपको काम करना है और आपको लाइफ टाइम उस वेबसाइट से अर्निंग मिलेगी। तो देखो है ना, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर वेबसाइट की बहुत डिमांड है मार्केट में। देखो, किसी को भी अगर वेबसाइट बनानी होती है तो सबको पहले एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना होता है। यहाँ तक कि गूगल प्ले स्टोर पर जो भी ऐप्स होते हैं, तो उनको भी अगर अपने ऐप्स को लॉन्च करना है तो पहले उनको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना पड़ेगा, तब जाके उनका जो भी ऐप है वो प्ले स्टोर पर लॉन्च होगा। तो देखो, इतनी ज़्यादा डिमांड है प्राइवेसी पॉलिसी पेज की, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये पॉलिसी पेज की इतनी सारी डिमांड है। और देखो, इनकी जो वेबसाइट है वो गूगल पे बहुत ज़्यादा कम है पे। तो देखो, ये वाला निश अगर हम उठा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अर्निंग होने वाली है हमारे को फ्यूचर में। क्योंकि देखो, हम है ना सिंपल, हमारे को एक बार काम करना है, सिर्फ 2 घंटे काम करना है और हमारे को लाइफ टाइम इससे अर्निंग होगी। हम एडसेंस लगा के छोड़ देंगे, अपने आप अर्निंग चलती रहेगी हमारी। बस हमारे को एडसेंस में अपनी अर्निंग देखनी है, वहाँ से रेवेन्यू निकालना है और हमारा काम हो गया। बस इतना सा काम करना है, सिर्फ शुरू में आपको 2 घंटे देने हैं। और देखो, मैं आपको ना इस वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, और एसईओ कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल वेबसाइट। तो मतलब देखो, कोई भी यूज़र आएगा और वहाँ उसको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना होगा, तो हमारी वेबसाइट उसको बना के देगी और वो अपनी वेबसाइट पे हमारे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर से जो भी उसकी पॉलिसी जनरेट हुई है वो अपनी वेबसाइट पे इंसर्ट कर लेगा। तो ये वाली वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, और पहले मैं आपको ना दिखाने वाला हूँ कि ऐसी वेबसाइट्स पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, कितने ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे बन जाता है। तो पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कितना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे होता है। तो देखो, हम यहाँ पे सिंपल टाइप कर लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वेबसाइट जो आई है ना, इसका ही ट्रैफिक हम चेक कर लेते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक आता है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम सिमिलर वेब पे इसको चेक कर लेते हैं। तो सिमिलर वेब पे हम चलते हैं। तो देखो, ये वाली वेबसाइट हमारे पास आ चुकी है। जो ये वाली वेबसाइट है, इसका हम यहाँ पे ट्रैफिक चेक करते हैं। तो ये वाली वेबसाइट, इसका हम यहाँ पे ट्रैफिक चेक करते हैं सिमिलर वेब पे। तो देखो, यहाँ पे ये वेबसाइट मैंने डाल दिया, अब देखते हैं हम इसका ट्रैफिक। तो इसका ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा है यहाँ पे। सिर्फ हमारे को ना 2 घंटे काम करना है, 2 घंटे में हमारी वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी और यहाँ पे लाइफ टाइम इतना ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। तो देखो, टोटल विजिट इसके कितने हैं, 481.8K। तो देखो, इसके टोटल विजिटर्स इतने सारे हैं। यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं कर रखा, सिंपल एक बार वेबसाइट बना दिया और यहाँ पे बना के छोड़ दिया। जिसको भी प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना होता है वो इस वेबसाइट पे आता है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके अपनी वेबसाइट पे इंसर्ट कर लेता है। तो हम भी ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं और हम देखो इस पर एसईओ करेंगे। और यहाँ पे देखो, जो ये वेबसाइट है ये गूगल पे रैंक क्यों कर रही है, तो यहाँ पे इन वेबसाइट का एसईओ अच्छा सा हुआ है। तो हम भी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको एसईओ कैसे करना है और यहाँ पे आपको एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है। वीडियो के लास्ट में आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो के लास्ट में रुकोगे तो आपको ये 2 चीज़ जानने को मिलेगी। तो देखो, हम इसका ट्रैफिक भी चेक कर लेते हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से है। तो देखो, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है ना इसका US से। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे US से हमारे को कितना ज़्यादा CPC मिलता है एडसेंस में। 35% ट्रैफिक इसका USA से है। तो अगर हम ऐसी वेबसाइट बना लेते हैं तो सोचो कितनी ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। तो इंडिया से तो सिर्फ 10% ट्रैफिक है, लेकिन USA से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है इसका, यूनाइटेड स्टेट्स से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ऐसी वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। और यहाँ पे देखो, इतना अभी इसका मिलियंस में तो ट्रैफिक नहीं है, लेकिन इतना ट्रैफिक भी इसके लिए बहुत है क्योंकि USA से इसका ट्रैफिक है और USA से एडसेंस पर अर्निंग इतनी डबल होती है, तो वैसे ही ये इतना पैसा यहाँ पे छाप लेता है। तो देखो, हम ये वाली वेबसाइट बनाने वाले हैं ब्लॉगर पे। अगर आप वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हैं तो मेरे को है ना कमेंट में बता देना, मैं वर्डप्रेस पे भी बनाना बता दूंगा किस तरीके से बनाना है। तो देखो, पहले मैं आपको ना हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन दिखा देता हूँ।
किस तरीके से हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन है, तो देखो हमारे यहाँ पे सिंपल क्लीन डिज़ाइन है, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं है। देखो अगर आपको स्क्रिप्ट एडिट करना आती है तो आप यहाँ पे सिंपल CSS ऐड कर सकते हैं, CSS है यहाँ पे थीम वगैरह लगा सकते हैं। तो अगर आपको वो सब करना आता है तो आप यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं, नहीं तो ये वेबसाइट भी यहाँ पे वर्क करती है। तो मैं आपको है ना यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कंपनी नेम डाल दिया, RUG सिंपल मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया, तो हम इसी का लिंक दे देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, हम इसी का लिंक दे देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ईमेल कुछ भी दे देना आपको, जो आपकी ईमेल है तो हम सिंपल यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं। तो अब देखो ये हमारे को यहाँ पे हमारे को टिक करना है जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी भी, तो हमारे को ये कोड दे देगा। तो यहाँ से बस हमारे को सिंपल कोड को कॉपी करना है और हमारी वेबसाइट पे पेस्ट करना है, और यहाँ से आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन के रेडी हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से वेबसाइट को बनाना है यहाँ पे, तो देखो आपको सबसे पहले आना है ब्लॉगर पे। मैं आपको ब्लॉगर पे जाके दिखा देता हूँ, वहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो हम आ चुके हैं ब्लॉगर पे। तो देखो ब्लॉगर आपको अगर आपका यहाँ पे है नहीं तो देखो ब्लॉगर पे आपको है ना न्यू ब्लॉग बना लेना है, यहाँ पे मैंने बना के रखा है ऑलरेडी। तो अब देखो आपको क्या करना है, आपको थीम्स में आना है। थीम्स में आने के बाद देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देखो स्विच टू, यहाँ पे अभी मेरे आ रहा है स्विच टू सेकेंड जनरेशन लेआउट थीम, लेकिन आपके आएगा यहाँ पे स्विच टू फर्स्ट जनरेशन लेआउट थीम। तो आपको यहाँ पे स्विच टू फर्स्ट जनरेशन लेआउट थीम पे टिक करना है। तो अब जब आपके पास सेव वाला फर्स्ट जनरेशन लेआउट थीम पे टिक हो जाएगा तो आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। तो अब देखो हमारे को एडिट HTML पे आना है, और देखो टेलीग्राम पे मैंने एक स्क्रिप्ट दी है, वो स्क्रिप्ट आपको पेस्ट करनी है यहाँ पे, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो टेलीग्राम पे ये वाली स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल की, मैं स्क्रिप्ट ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये वाली हमारी स्क्रिप्ट है, इसको हमको सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखो इसको कंट्रोल ए करके हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, और उस स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बस आपका इतना सा काम है और बस आपकी ये वाली वेबसाइट बन के रेडी है। लेकिन देखो इसकी एडिटिंग वगैरह कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो हमारा यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारे को बैक आना है यहाँ पे, और देखो हमारे को व्यू ब्लॉक करना है और यहाँ पे ओपन न्यू टैब पे करना है। तो देखो हमारा थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, मैं आपको देखो ये व्यू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम व्यू ब्लॉक पे कर लेते हैं, तो देखो हमारा थीम यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो अब देखो है ना यहाँ पे ये वाली ब्लू लाइन आ रही है, तो इसको हमारे को हटाना है। ये हमारे देखो यहाँ पे पेजेस को यहाँ पे दबा दिए, तो इसको हटाना है। तो देखो इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद देखो आपको चेंज नेम बार पे आपको टिक करना है, और यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे ऑफ कर देना है। तो बस आपको सिंपल ये करना है। तो अब आपकी ये वाली बार हट जाएगी, मैं यहाँ पे रिलोड कर लेता हूँ। तो देखो हमारी वो बार हट चुकी है यहाँ से, हमारी ये टूल वेबसाइट बन के रेडी है, ये हमारी वर्क भी करेगी। तो मैं यहाँ पे देखो आपको करके दिखा देता हूँ सिंपल। तो देखो ये वर्क कर रही है यहाँ पे, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे कोई भी जिसको बनाना होगा पॉलिसी पेज, तो यहाँ पे उसको कोडिंग मिल जाएगी और वो यहाँ से अपने पॉलिसी पेज को जनरेट कर सकता है। तो देखो हम यहाँ पे इसको रिलोड कर लेते हैं। तो देखो आपको है ना यहाँ की डिटेल्स चेंज करनी है, तो देखो वो आपको कहाँ से करना है, ये वाली डिटेल्स अगर आपको अपनी डालनी है तो वो कहाँ से डालना है आपको। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, इतना कॉपी कर लेते हैं हम इसको। और अब हम आ जाते हैं हमारे एडिट HTML में, और यहाँ पे आपको एक बार टैप करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल ऐप करना है, और वही चीज़ आपको यहाँ पे वॉइस पेस्ट करनी है और आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो अब देखो आपको है ना यहाँ पे वो वाली लाइन मिल जाएगी, तो अब आप इसको यहाँ पे आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो इस वाली लाइन को अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और बाकी की जो डिटेल्स है नीचे तो इसको भी आपको एडिट करना है, तो ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ से आप आसानी से अपने टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सिंपल आपको डालना है यहाँ पे, तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखो जो नीचे ये पैराग्राफ्स है इनको अगर आपको चेंज करना है, तो देखो आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे सिंपल आपको वही प्रोसेस करना है, यहाँ पे कंट्रोल ऐप करना है और यहाँ पे इस पैराग्राफ को यहाँ पे डालना है और इसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमने शायद ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ डाल दिया है, तो हम एक ही लाइन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इतनी सी लाइन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल ऐप करते हैं और
और यहाँ पे हम उसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे एंटर। तो देखो ये पैराग्राफ हमारे पास आ चुका है, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और बाकी का जो भी नीचे का पैराग्राफ है वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी नीचे का पैराग्राफ यहाँ पे दे रखा है सब आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो अब है ना इस वेबसाइट का SEO आपको कैसे करना है। तो देखो मैं आपको है ना पहले तो एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो हम यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पर टिक करते हैं। तो देखो इस वेबसाइट पे जो अभी स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो किस कीवर्ड पे लिखी हुई है। देखो टूल वेबसाइट है ना कीवर्ड पे डिपेंड होती है, मतलब जो कीवर्ड हम यहाँ पे रैंक करवाने के लिए लगाते हैं तो उसी कीवर्ड पे हमारी रैंक होती है। देखो यहाँ पे हमारे को टूल वेबसाइट में एक कीवर्ड डिसाइड करके रखना पड़ता है और उसी पे हमारे को वेबसाइट को रैंक करवाना पड़ता है। तो हम देखो आर्टिकल, हमारे को आर्टिकल लिखना है पहले शुरू में, जो ये नीचे आर्टिकल है तो इनमें ये कीवर्ड अभी तो लगे हुए हैं लेकिन आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में आर्टिकल लिखना है यहाँ पे अगर आपको SEO कराना है। तो शुरू की मेहनत है बस, आपको फिर कुछ नहीं करना है। देखो मैं यहाँ पे इसको पेज करता हूँ और आप देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा बार यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी यूज़ हुआ। तो इसका जो भी कीवर्ड है वो यही है, दो कीवर्ड इसने लगाया, एक तो प्राइवेसी पॉलिसी एक प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो दो कीवर्ड पे पूरी वेबसाइट बेस है और दो कीवर्ड से ये वेबसाइट रैंक करेगी। तो देखो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है। तो देखो कितनी बार इसने कीवर्ड का यूज़ करा है, पूरे 30 बार यहाँ पे कीवर्ड का यूज़ करा है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है यहाँ पे। तो पहले आपको ना प्राइवेसी पॉलिसी, देखो आप कीवर्ड कहाँ से लेना चाहते। तो देखो अगर आप यहाँ पे कीवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो कीवर्ड को कहाँ से चेंज करेंगे आप, तो यहाँ से पहले आप सर्च कर लीजिए, गूगल सर्च से आप सिंपल कीवर्ड लो। तो गूगल सर्च से आप कोई भी अच्छा सा कीवर्ड निकाले जिस पे ना रिजल्ट बहुत कम हो और वहाँ पे सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। तो देखो यहाँ पे आप कोई सा भी कीवर्ड ले सकते हैं, बहुत सारे कीवर्ड आपको मिल जाते हैं। तो आपको कीवर्ड भी ऐसा लेना जो रैंक करे, तो यहाँ पे कोई भी कीवर्ड ले सकते हैं। देखो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर इंडिया, तो ये आप ले सकते हैं, ये वाला कीवर्ड मेरे को बेस्ट लग रहा है। इस कीवर्ड को हम यहाँ पे सर्च करते हैं। तो देखो डबल कोटेशन लगा के हम यहाँ पे सर्च करते हैं और यहाँ पे कितने सर्चेज हमारे को मिलते हैं चेक करते हैं हम इस पे। तो देखो यहाँ पे है ना सिर्फ मिनिमम 10 रिजल्ट है इस कीवर्ड पे, तो इस कीवर्ड को आप ले सकते हैं। और यहाँ पे इसका पहले सर्च वॉल्यूम चेक कर लेना, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। अगर इसका सर्च वॉल्यूम हाई हो तो आप इस कीवर्ड को ले लेना। और यहाँ पे आप रिजल्ट देखो, रिजल्ट सिर्फ 10 है। अगर हम इस पे वेबसाइट बनाते तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारी रैंक हो जाएगी वेबसाइट। तो देखो किस तरीके से आपको यहाँ पे कीवर्ड, तो एक कीवर्ड तो ये हो गया, इस कीवर्ड पे भी आप लगा सकते हैं। जो भी ये कीवर्ड लिखे हुए हैं इनको आप चेंज कर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी जो लिखा हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हैं और इसकी जगह ये वाला कीवर्ड लगा सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर इंडिया। तो देखो आपको कहाँ से चेंज करना है, आपको सिंपल यहाँ से कॉपी करना है इसको और यहाँ पे एडिट HTML में यहाँ पे कंट्रोल F करना और यहाँ पे सिंपल पेस्ट करके एंटर कर देना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो यहाँ से बस इसको चेंज कर देना है, सिंपल आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल ये वाला कीवर्ड हटा के और ये वाला कीवर्ड आप डाल देना, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। और बाकी के जो भी नीचे है, नीचे जो भी कीवर्ड दिए हुए हैं यहाँ से आपको आर्टिकल पहले अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये जो आर्टिकल है ना इसको आपको पहले चेंज कर लेना। देखो आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल लिखेंगे तो यहाँ पे आप ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आपकी वेबसाइट के चांस हो जाएंगे कि फर्स्ट नंबर की रैंकिंग पे आपकी वेबसाइट आ जाए। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे करना है। और यहाँ पे देखो प्रीव्यू योर पॉलिसी, तो यहाँ पे इसको भी एडिट करना है, सारे जो भी लिखे हुए कंटेंट उसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो पहले आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे और आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख के यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो पहले आप इसको ट्रांसलेट कर लेना हिंदी में, फिर आप यहाँ पे आसानी से जो भी कीवर्ड हमने चूज़ करा है तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आर्टिकल लिखना, फिर आपका यहाँ पे कीवर्ड रैंकिंग करे तो फिर आपकी वेबसाइट ये रैंक करने लग जाएगी। जो कीवर्ड आप लोगे जो कीवर्ड आप लोगे उस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट ये रैंक करेगी। तो इस तरीके से आपको रैंक करवाना है वेबसाइट को। देखो ये रो हमारी फिर से आ चुकी है शायद। तो देखो है ना हम एक और कीवर्ड लेके देख लेते हैं। देखो आप या तो ये वाला कीवर्ड ले सकते हैं या फिर देखो फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और इस पर सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो यहाँ पे देखो इस कीवर्ड को भी अगर आप लोगे तो बहुत ज़्यादा सर्चेस मिलेंगे आपको।
तो इस कीवर्ड पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इस कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे इसको चेंज कर देना, फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल लिख देना, और यहाँ पे चेंज कर देना फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल। और यहाँ पे जो भी आप है ना कीवर्ड यूज करोगे तो सिंपल आपको वही कीवर्ड यूज करना, क्योंकि एक ही कीवर्ड पे हमारी टूल वेबसाइट हमेशा रन कर रही, तो एक ही कीवर्ड पे हमारी ये टूल वेबसाइट रैंक करेगी। तो इस तरीके से आपको इसका एसईओ करना है। तो आर्टिकल में भी आपको यही कीवर्ड यूज करना है, फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल, फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर टूल, नीचे आए वाले आर्टिकल में सब में आपको ना एक एक कीवर्ड लगा देने, जिस तरीके से मैंने बताया यहाँ पे। देखो प्राइवेसी पॉलिसी जो ये कीवर्ड है इसका कितने बार यूज हुआ है, तो इतने बार आपको यूज करना है सारे आर्टिकल में यूज करना है। तो तब जाके ना गूगल को समझ में आ जाएगा कि ये वाली वेबसाइट इस कीवर्ड पे रैंक करवानी है। तो गूगल तभी समझता है, देखो हम बताते हैं ना गूगल को तो तभी समझता है गूगल भी। तो आपको कीवर्ड का यूज करना है, कीवर्ड का यूज करके है ना हम गूगल को बताते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है इस कीवर्ड पे रैंक होनी चाहिए। तो जितने बार हम कीवर्ड का यूज करेंगे उतनी बार गूगल समझ जाता है कि हमारी वेबसाइट इस कीवर्ड के लिए रैंक के लिए बनी है। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और देखो यहाँ पे एक एसईओ का पार्ट मैं और बताता हूँ। देखो आपका जो भी डोमेन है, पहले अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ब्लॉगस्पॉट का यूज कर सकते हैं। ब्लॉगस्पॉट का आपको कैसे करना है, यहाँ पे जिस नाम से आपने कीवर्ड यहाँ पे लिया है उसी नाम से आपको डोमेन लेना है यहाँ पे। तो ये एक एसईओ का पार्ट बन जाता है। तो ब्लॉगर पे आप बना सकते हैं यहाँ पे फ्री प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम। तो अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप यहाँ पे और कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको डोमेन नेम वही रखना है जो आपका प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर में आ रहा हो। तो जो कीवर्ड आपका प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर में आ रहा हो तो डोमेन नेम भी आपको वही रखना है। तो यहाँ से देखो ये अबाउट है, तो यहाँ से देखो अबाउट 1 2, तो ये हमारे को कैसे चेंज करना है, यहाँ से इसको हम है ना कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो वापस से वही चीज़ करनी है हमारे को, यहाँ पे कंट्रोल एफ करना है और यहाँ पे कंट्रोल वी करना है और यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखो मिल चुका है अबाउट का पेज। तो अबाउट अस में देखो आप जो भी लगाना चाहते हैं, अपने डिटेल्स फिल करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अबाउट में है ना अबाउट टू जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी अबाउट अस की डिटेल्स होगी तो आप इसको हटा के यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपकी स्क्रिप्ट यहाँ पे खुल जाएगी। तो बस आपको इस तरीके से अबाउट का पेज बनाना है, इसी तरीके से आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, इसी तरीके से आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना है। तो पहले आपको अपने पेज बना लेना है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे कंट्रोल एफ करना है और यहाँ पे उसका नाम डालना है जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा। बस आपको यहाँ से चेंज करना है, तो उस तरीके से आपको यहाँ से पेजेस को चेंज करना है। और कॉपीराइट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे वापस से आपको यहाँ पे कंट्रोल एफ करना और यहाँ पे इसको एंटर कर देना है। यहाँ पे हम इसको ईयर को हटा देते हैं और यहाँ पे साइन को हटा देते हैं। तो अब हम इसको एंटर करते हैं, तो देखो कॉपीराइट का हमारे को मिल चुका है यहाँ पे। तो कॉपीराइट भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी अपना कीवर्ड लिया होगा तो यहाँ से देखो इसको चेंज कर सकते हैं। तो कॉपीराइट भी इस तरीके से आपको चेंज करना है, नीचे जो कॉपीराइट आ रहा है इसको भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो सारा मैंने बता दिया किस तरीके से एसईओ करना है। तो देखो अब आपको है ना यहाँ पे इस वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा। तो देखो एडसेंस अप्रूवल आपको है ना तभी मिलेगा तब आप ये कंटेंट यहाँ से चेंज करोगे। तो इस कंटेंट को आपको चेंज करना है, अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना है। तो देखो शुरू की मेहनत है, आप इसको सिंपल चेंज कर सकते हैं, हिंदी में पढ़ लेना इसको ट्रांसलेट करके, और यहाँ पे आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देना, थोड़ा सा बड़ा कंटेंट लिख देना, यहाँ पे छोटा लिख रखा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा कंटेंट लिख देना, बस आपको यही काम करना है यहाँ पे। और कीवर्ड को आपको सही से लगाने, जब आप यहाँ पे पूरा एसईओ कर दोगे अच्छी तरीके से तो आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। और पहले आपको देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप ये वेबसाइट बना ले और यहाँ पे आप कंटेंट लिख दे, अगर आपका काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा वेबसाइट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको है ना 15 दिन वेट करना है, पहले एडसेंस में लगाने से पहले 15 दिन वेट करना है, क्योंकि 15 दिन ओल्ड होनी चाहिए आपकी वेबसाइट, तब जाके एडसेंस अप्रूवल मिलता है। उसमें उसके कोई अप्रूवल में एरर नहीं आता है, कोई रिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से आपको टूल वेबसाइट एडसेंस में अप्रूवल करवानी होती है, 15 दिन आपकी वेबसाइट को ओल्ड कर लेना,
फिर आप एडसेंस में लगाना, आपको आसानी से यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो एड कोड वगैरह आपको लगाने हैं तो वो सिंपल आप स्क्रिप्ट में लगा सकते हैं। स्क्रिप्ट में नीचे दिए हुए एड कोड वगैरह लगाने के, तो वहाँ से आप सिंपल लगा सकते हैं, नहीं तो आप हेडर और फुटर में एड कोड लगा सकते हैं। तो सिंपल आपको हेडर में हेड कोड पेस्ट कर देना और बॉडी में हेड कोड पेस्ट कर देना, तो आपके हेडर और फुटर में एड कोड आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एड कोड लगाने, और देखो अगर आपको एडसेंस अप्रूवल मिल रखा है पहले से तो आप सिंपल डोमेन ऐड करना है यहाँ पे। जो देखो डोमेन भी वही होना चाहिए जो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी आपने कीवर्ड लिया है उसी कीवर्ड पे आपका डोमेन होना चाहिए। तो ये एक SEO का पार्ट है, और यहाँ पे टूल वेबसाइट उसी पार्ट पे रन करती है जो हम डोमेन लेते हैं। तो डोमेन पे हमारा बहुत ज़्यादा SEO डिपेंड होता है टूल वेबसाइट का। तो डोमेन से हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बनती है, और जो हम कीवर्ड लेते हैं उसी से हमारी ये टूल वेबसाइट की रैंकिंग बनती है। तो देखो अब हमारे को है ना अबाउट अस, इसी तरीके से अबाउट अस की स्क्रिप्ट बनानी है, तो वो कैसे बना सकते हैं हम। और यहाँ पे देखो अबाउट के सेक्शन में ना आप उसको, तो अब आप है ना यहाँ पे अपनी कैटेगरी भी ऐड कर देना। जब आप यहाँ पे अबाउट अस का जो भी स्क्रिप्ट बना दो तो उसी के रिलेटेड आप यहाँ पे लिंक लगा देना, ताकि जो भी यूज़र आपकी इस वेबसाइट पे आया तो वो उस वेबसाइट पे भी चले जाए। जो भी अबाउट अस की जो स्क्रिप्ट बनाई है आपने अबाउट अस जनरेटर की, तो उस वेबसाइट पे भी चले जाए। तो देखो वो वाली जो स्क्रिप्ट है उसको बनाना हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, उस पर कैसे एडसेंस लेना, कैसे SEO करना, तो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो इसका दूसरा पार्ट आएगा कल, इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो अबाउट अस जनरेटर की वेबसाइट बनाना हम सीखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा इसका अबाउट अस का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपको वो वाला पार्ट देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो देखो है ना मैंने यहाँ पे एक चैनल बनाया हुआ है आयुजी गेम्स नाम करके, अभी मैंने 2-3 दिन पहले बनाया यहाँ। तो मैं यहाँ पे GTA 5 का गेम प्ले डालता हूँ, तो अगर आपको देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो हमारे इंडियन अपडेट गुरु वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट डालता हूँ। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको गेम प्ले देखना हो तो आयुजी गेम्स में चले जाना, और अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ भी समझना हो सीखना हो तो आप इंडियन अपडेट गुरु वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम जानेंगे कि अबाउट अस का पेज कैसे बनाएं, और बाकी के जो भी पेज होता है डिस्क्लेमर जनरेटर वगैरह, तो वो पेज हम कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।